कम आपको दिस चैनल पे फ्रॉम स्टोइंग पावर के चैनल पे एक टाटा स्प्रन आयरन लिमिटेड पे जो कि स्टील और आयरन से, मैंने पहले भी इस पे आयरन स्टील सेक्टर में इसको आपको अपडेट किया था जब ये बॉलिंगर बैंड के ऊपर रेंज पे थी। तो था कि यहाँ से अगर ये क्रॉस करेगी तो यहाँ तक लेगी और अदरवाइज वो नीचे की ओर आपको एक 816 के आसपास दिखाएगा। तो इसमें आज ये फ्रेश अपडेट दे रहा हूँ कि इसमें अभी रिसेंटली जो है इसरा ने इसको निगेटिव किया है, आप देखेंगे तो इवन रेटिंग तो रखा है नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स पे, बट उसको रिमूव वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशन को वॉच पे रख दिया है कि आप इम्प्लीकेशन देखते रहे क्या होता है। और दूसरा आप देखेंगे तो वापस इसने यहाँ पे डाउनलोड कंपनीज फंड बेस्ड कैश क्रेडिट लिमिट को AA- किया है स्टेबल फ्रॉम AA से। इसके कारण क्या हुआ कि आपको जो लास्ट डे देखने को मिला, आप देखेंगे तो ये 11 जनवरी को आपको यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिली। और अल्टीमेटली इसने चार्ट पे क्या किया, चार्ट पे बोलिंगर बैंड के लोअर लिमिट को टच किया और टच करने के बाद एक नीचे स्लिप दिखा रहा है। तो इससे जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है, और आपको मैं अगर इसी चार्ट को वापस आपको मैं इसको वीकली बेसिस पे दिखाऊं तो आप देखेंगे एक इनडिसिसिव कैंडल भी बन रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे बोलिंगर बैंड हटा दूँ और आपको दिखाऊँ तो इनडिसिसिव कैंडल बन रहा है। आप देखिए, ये देखिए इनडिसिसिव कैंडल बन रहा है तो और नीचे की ओर जाता है, तो इसका मतलब है ये एक सेंटिमेंट है और जो सेंटिमेंट है उसको तोड़ सकता है, और तोड़ेगा तो एटलीस्ट आपको 50-60 पॉइंट तो आराम से तोड़ देगा ये। तो अभी जो क्लोजिंग इसने दिया है 816 का क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट सपोर्ट जो इसको मिल रहा है मोस्ट प्रोबेबली इसको 753 पे मिलेगा, इस पे मिलेगा क्योंकि ये इसी लेवल को फॉलो किया था और उसके बाद हो सकता है एक बार आपको ये 727 का लो भी बनाए। तो ये दो पैटर्न को और इससे नीचे जाएगा तो वापस आपको अपडेट दे देंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर देखेंगे ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे बार बार इसको सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ पे इस लेवल पे पहले भी सपोर्ट मिला 712-15 के आसपास मिला हुआ है सपोर्ट। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, और तोड़ता है तो वापस ये किस लेवल तक जा सकता है तो आप आराम से मान के चलिए कि वापस बहुत लोअर लेवल को भी टच करे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके साथ एक निगेटिव चीज केवल एक ही था, एक तो सेल्स ग्रोथ पे प्रेशर था, दूसरा क्या था, ये प्राइस टू कैश फ्लो देखिए 30 टाइम्स मिल रहा है, तो हैवी प्राइस टू कैश फ्लो था। ये एक जो रीजन था वहाँ पे अपने को थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब लगता है इसके रिजल्ट पे वापस इस क्वार्टर का भी प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये लोग एजेंसियाँ अगर कहीं पर भी अगर डाउनग्रेड करती हैं तो इनको रिजल्ट के पहले एहसास हो जाता है, हो सकता है इसका रिजल्ट भी आपको थोड़ा खराब देखने को मिल सकता है, इस क्वार्टर का प्रेशर रहेगा। तो आपको ये घबराना नहीं है ऐसे शेयर से, और जैसा इसने खुद लिखा वॉच कीजिए इसके डेवलपमेंट को, तो मेरे अंदाज से कमिंग आगे ईयर्स में जाके अच्छा होगा, बट आपको यहाँ पे फॉल देखने को भी मिल सकता है। तो एक बार वॉच करें और एटलीस्ट आप इसके मंथली कैंडल को वॉच करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मंथली कैंडल को वॉच करेंगे तो अब ये देखिए यहाँ पे जो इसको लोएस्ट इसका जो जा सकता है यहाँ पे इस कैंडल पे जो बता रहा है वो ये बता रहा है लोएस्ट 727 का बता रहा है। तो एक बार 727 का वॉच करके आप देख सकते हैं इसको, इनडिसिसिव कैंडल है ये, नीचे तो जाएगा, और इसको अगर ये रुकना है इसको तो 750 पे पहला रुकेगा, और नहीं रुकना है तो फिर 727 को टेस्ट करेगा। और एक बार ये जो ऑलरेडी एक बार पहले लो बना चुका 727 का तो ये टेस्ट करेगा ही करेगा, और अगर वहाँ सपोर्ट नहीं लेता है किसी कारण से, अगर वहाँ पे सपोर्ट इसको नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ मिल जाएगा आपको देखने को मिलेगा, और फिर और लोअर लेवल को भी टच कर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर आप देखेंगे तो फिर 650 और 650 के बाद वापस 533-500 तक का भी लेवल टेस्ट करेगा। लेकिन मैं इतना निगेटिव इसलिए इसमें नहीं दिखा हो रहा हूँ कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा तो नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। अगर एक क्वार्टर, हाँ एक क्वार्टर है तो नेगेटिव रिजल्ट है इसरा वहाँ पे, इसका नेगेटिव इसने दे चुका है तो हो सकता है कि एक बार आपको फॉल तो दिखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका जो वापस ये लो था 727 का जो इसका लो था वो हो सकता है वहाँ पे जरूर सपोर्ट इसको लेना चाहिए, और किसी कारण से 727 छोड़ता है तो 550 का लेवल आपको दिखा देगा ये। मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये 727 तोड़ता है तो 550 के लेवल को दिखाने में इसको कोई शर्म नहीं आएगा, और चूंकि इसका हाई बेस है केवल एक ही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, कैश टू जो प्राइस यानी रेशियो है ना अभी थोड़ा हाई है, इसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैश फ्लो आ रही है ना वो थोड़ा बहुत कम आ रहा है,
आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 185 करोड़, 63 करोड़, 25 करोड़ यही आ रहा है, और उसमें से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपके पास 50-60 करोड़ का वर्किंग मिलता है। तो कैश फ्लो इसके पास बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कैश क्रंच की सिचुएशन। ये जब इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगा तो वापस आपको देखने को मिल सकता है इम्प्रूवमेंट। कमिंग क्वार्टरली रिजल्ट में हो सकता है कि और भी प्रेशर आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि कोल की प्राइस हाइक हुई है, बट इनके मार्केट की प्राइस को कोई हाइक नहीं मिला है, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था और समझाया भी था। तो वो वापस इस कंटिन्यू क्वार्टर में हो सकता है, देखने को मिल सकता है। और चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी किसी रेटिंग एजेंसी ने ऑलरेडी इसरा ने घटा दिया है इसका रेटिंग, तो हो सकता है ये प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और एक बार 727 और 550 का लेवल अगर हो सकता है तो टेस्ट करेगा, जो चार्ट पे दिखता है। डिलीवरी परसेंटेज लास्ट डे की देखेंगे तो वहाँ पे ओपन हुआ था 833 पे, हाई बनाया 838 का और लो बनाया 807 का, लेकिन वापस ऊपर की ओर क्लोजिंग 814 की ओर जाकर के देता है। मीन्स जो लो बनाया लो की ओर ही क्लोजिंग दे रहा है। डिलीवरी परसेंटेज वापस घट चुका है, 20% आ चुका है। 145,174 शेयर का ट्रेड होता है, सिर्फ 30,000 की डिलीवरी होती है। तो जो 52 वीक लो था जो 11 दिसंबर 2018 को टेस्ट किया था, वापस ये टेस्ट करने की ओर जा सकता है। इसमें वापस पोजीशन बनाया था तो अगर ये किसी भी तरह 727 है तो चलो ठीक है, 727 तक रहता है तो ठीक है, अदरवाइज वापस हो सकता है। यहाँ पे आपको एक बार 550 तक का लेवल फॉल करके दिखा सकता है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, जब ये 550 के लेवल पे जाएगा तो क्या होगा, फायदा क्या होगा, तो आप देखेंगे। जो ये रिजल्ट है, जो इसका प्राइस टू कैश मार्केट कैप जब रिड्यूस होगा तो प्राइस टू कैश फ्लो ये लगभग मान लीजिए ये आ जाएगा 22-24 के आसपास आ जाएगा, तो वो भी हाई है, फिर भी 20 के नीचे 20 आता है तो ठीक है। और ये वहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ भी अगर इसका बढ़ जाता है इस पीरियड में, सेल्स ग्रोथ और प्राइस फॉल होने से फायदा नहीं है। सेल्स ग्रोथ अगर बढ़ता नहीं है तो प्राइस फॉल होके भी कोई फायदा नहीं है। तो सेल्स ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको हो सकता है ग्रोथ देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई खास इंपैक्ट है नहीं, बाकी आपको ऑलरेडी उस वीडियो में डिटेल दिया हुआ है, तो आप जाके ये प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक इसलिए इसमें आया, वापस आपको बताने के लिए आया, इसमें एक वीकली बेसिस पे एक फॉल देखने को मिल रहा है विथ इंडिसिजिव कैंडल। देखिए आप खुद देखिए, इंडिसिजिव कैंडल बना हुआ है तो जिसमें प्रेशर नीचे की ओर है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि एक बार आप फॉल देखने को मिल सकता है जिसमें 727 का लेवल टेस्ट करेगा, और फिर अगर उसको तोड़ता है 700 के लेवल को तोड़ता है तो 550 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था। कोई भी पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, और इसमें अभी कोई घबराने जैसी बात नहीं। इसरा ने खुद बोला वॉच करने के लिए, तो उनका जो कमेंट है ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय करनी है, और डबल ए माइनस है, बहुत अच्छी रेटिंग होती है, डबल ए भी बहुत अच्छी रेटिंग होती है, तो रेटिंग में बहुत बड़ी बात नहीं है। वीडियो देखने के